मेला का समाप्त किया जाता है। आदरणीय राजेश शर्मा जी से निवेदन है, आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे भी पधारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव, मध्य प्रदेश के संगठन प्रभारी, हमारे मार्गदर्शक परम श्रद्धेय मोहन प्रकाश जी अपनी ऊर्जा से हमें उत्साहित करने वाले, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष परम संपादक तरुण यादव जी और जिनके संरक्षण में, जिनके आशीर्वाद से, जिनके मार्गदर्शन में हम मध्य प्रदेश की स्वच्छ सरकार से लोहा ले रहे हैं, उमरिया जिले का कांग्रेस का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश की स्वच्छ सरकार को जिनके संरक्षण में करारा जवाब दे रहा है, जन जन के चेहरे के विंध के लाड़े सपूत परम सम्मानित राहुल भैया जी, समस्त कांग्रेस जन, कांग्रेस के समस्त प्रकोष्ठों के अध्यक्ष गण, शैडो संभाग के अध्यक्ष गण, रीवा संभाग, सतना संभाग, शैडो संभाग, कटनी से आए हुए हमारे सभी कांग्रेस के व्यक्ति, वरिष्ठ नेतागण और उमरिया जिले के कोने कोने से आए हुए कांग्रेस के युवा साथियों, माताओं बहनों, युवा साथियों, आज का यह सम्मेलन आगामी 2 तारीख को बागावर विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव के लिए आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में जितने भी अतिथि हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये बागावर का चुनाव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अहंकार और मनमानी के कारण हो रहा है। उन्होंने मनमानी की और एक विधायक को सांसद का चुनाव लड़वाया तो विधायक ज्ञान सिंह ने शर्त रखी थी कि जब तक मेरे बेटे को टिकट नहीं दोगे तब तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, भले चाहे सांसद बन जाए। आज 3 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन विधायक जो ज्ञान सिंह है वो कहता है मैं मंत्री भी हूं और सांसद भी हूं। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सार्वजनिक भाषण में यह कहते हैं कि ज्ञान सिंह जी जब तक शिवराज जी चाहेगा तुम सांसद भी रहोगे, मंत्री भी रहोगे। ये लोकतंत्र की हत्या, युवाओं की नौकरी बेचने का काम, किसानों का उत्पीड़न, आदिवासियों का उत्पीड़न, इस सब का जवाब 9 तारीख को हमको देना है। पिछले लोकसभा चुनाव में एक बार तो साबित हो गई कि शिवराज सिंह चौहान सीधी उंगली की भाषा नहीं समझता, जनता ने टेढ़ी उंगली की है। विधानसभा में जो 45-50 हजार की नींद थी, पिछले विधानसभा में जब 5200 पर पहुंची तो शिवराज सिंह चौहान पूछने लगे कि हमसे गलती क्या हो गई। आज 1 महीना हो गया लगातार जब कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री यहां देखने नहीं आता था, आज गृहमंत्री गांव में जाकर होली खिला रहे हैं, कृषि मंत्री पूछते हैं कि हमसे गलती क्या हो गई, क्योंकि उमरिया में कांग्रेस जीती है, नौजवान जीती है, जहां जहां भाजपा हारी है वहां करोड़ों रुपए की घोषणाओं का पिटारा खोल दिया गया है। इसलिए तय है कि भारतीय
और जैसे ही हम सब यहाँ पहुंचेंगे हम लोग सघन यहाँ पर प्रचार शुरू करेंगे। एक बार पुनः आप सबका स्वागत करते हैं, कोने कोने से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हैं और इन शब्दों में आप अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।